वेलकम बैक टू चैनल। यार आज मैं दिखाने जा रहा हूँ तुम्हें अ डे इन द लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट TTU। तो यार आज है थर्सडे और आज है 8th of November, तो अभी बज रहे करीब 9:50। तो आज मेरी 3 क्लासेस हैं टोटल, सब आज प्रैक्टिकल वाले दिन है। तो एक मैकेनिकल की वर्कशॉप है, एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, एक फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, उसके बाद फिर शाम को और फिर रात को। तो पूरा दिन दिखाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। और चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। 10 बजे से क्लास है, 10 से 12, उसके बाद 12 से 2, फिर 2 से 4, तो साथ साथ चलते हैं। और चलो सर, जा रहा हूँ मैं अपने PG से TTU की तरफ। और आज नाश्ता किया नहीं है, टाइम नहीं मिला। और कल ही मेरी DTU की मैस एक्सपायर करी, मतलब टाइम ख़त्म हुआ है। तो अभी हम 2-3 दिन सोचा है भाई ऐसे ही रैंडमली कहीं कहीं जगह से खाते हैं, तो अब आज तो नाश्ते के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बस बनाना खरीदते हैं तो और खाते हैं। सो ले लिए यार 2 के लिए, DTU के सामने एक शॉप थी, और अब हम चल रहे हैं DTU की तरफ खाते खाते ये बनाना। चलो चले। यार मेरे साथ बहुत गजब का कांड हुआ है। बंदर देख रहे हो, अभी केले लेके जाया था, एक बंदर भागते हुए आया मेरी तरफ और मैंने दोनों केले उसे दे दिए। क्या करता है यार, जान पे बात आ गई थी बंदर से थोड़ी लड़ने बैठूंगा। तो भाई गए अपने केले भी, अब खाली पेट आज लास्ट स्टार्ट करनी होगी यार, बट कोई नहीं, चलो भाई ये सब तो होता रहता है। ये है हमारी सेंट्रल वर्कशॉप, चलो चले। सर अभी हमारा केमिस्ट्री प्रैक्टिकल खत्म हुआ है, और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल 1 बजे के आसपास ही हमने अपना एक्सपेरिमेंट किया और निकल लिए हैं राउंड टेबल सोसाइटी की एक कॉन्फ्रेंस BR ऑडिटोरियम में, तो वही जा रहे हैं। चलो चलते हैं। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। यार देखो 4 बज गए हैं और हमारा वो खत्म हो चुका है प्रैक्टिकल वगैरह, खत्म हुआ है। आज का डे बहुत बुरा होता है, थर्सडे। हाँ, और जिनकी FEC होती है उनका तो, और वो 8 बजे आते हैं, जिनकी FEC होती है। DTU में हो तो सोच के आना प्रैक्टिकल में। आठ से 10 FEC, 10 से 12 मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वर्कशॉप। FEC का और वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। इतना दिखाया भाई, दिखाया वीडियो, मतलब अच्छा दिखाया है। सही है, फिर सही है, जिम की जरूरत नहीं है फिर अगर आप मैकेनिकल वर्कशॉप कर रहे हो तो। फिर उसके बाद 10 से 12 फिजिक्स केमिस्ट्री की लैब और फिर फिजिक्स की लैब, जिसमें आपको घंटा समझ नहीं आता बट हमें करना पड़ता है। बिल्कुल, तो थर्सडे का दिन सबसे बुरा होता है भाई। क्या बोल के आया उसमें, किसमें? फिजिक्स लैब में मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट पूछा, इसका नाम क्या है मेरे को पता नहीं था, मैंने बोल दिया ट्रैवलिंग माइक। तेरी तरह देखा, तो भाई कैंटीन से खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं साहित्य के ओरिएंटेशन में। अब अंशुल बताएगा भाई साहित्य क्या है। साहित्य ओरिएंटेशन भाई हमें खुद नहीं पता, साहित्य लिटरेरी सोसाइटी है बेसिकली, लिटरेरी और डिबेटिंग सोसाइटी है। और ये लोग बता रहे थे अभी कि ये लोग जीत के आए थे शायद, या फिर वो फर्स्ट आए थे, हम सेकंड आए थे। करें IIT बॉम्बे के कल्चरल इवेंट मूड इंडिगो में भी इन्होंने परफॉर्म किया है। अच्छा, बाकी हमें नहीं पता, हम देख के आएंगे। ठीक है तो भाई चलो, नहीं तो रिफ्रेशमेंट मिलेगी तो रिफ्रेशमेंट खा के आएंगे। हाँ भाई चलो चलते हैं और देखते हैं क्या है।
there in another 2-3 minutes. So please be patient. You're checking with the VR auto and you're not working. That's why you sent to us in the classroom. So you can see, I know what WhatsApp there is, and then everything is really scary, what happened to us. So Salka is the official literary and editing society. We are the second Salka. भाई जल्दी जल्दी चेंज करके हम पहुंच गए हैं बीजी और जा रहे हैं सीपी की तरफ। भाई बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई। ठीक है, यो ब्रो नाम बता दे भाई अपना। मेरा नाम अर्शद है भाई। हाँ ठीक है भाई, तू भी प्रियांशु और प्रकुल भाई आगे बैठे हैं। तो हम भाई हल्ला बोलना है, खा लिया भाई, आई थी वो खा ले हो गया, बाद में खा दे स्टेशन भाई। तो पहली स्टेशन में सारी शूटिंग कर लेंगे। मेरा इसलिए तो बेस्ट है, बादली पे बैठता हूँ खाली, हुड्डा पे बैठता हूँ खाली। अपनी अभी का कटेगा तो हमारा क्यों कटेगा भाई, देख भाई देख के बैठो। मैं तो नहीं है वो सामने। हां बैठो। Yo bro. मेरे को तो पहले लगा क्या कोई वॉल के 2000 में स्नीकर क्या तुम लग रहे हो इंटरेस्टिंग क्या 2000 में स्नीकर बाद में दिख रहे थे ना। भाई साहब चलो पिंड वाले शाम में भी तू भाई वो तो रियल तू भाई खाना खा सिमिलर ही है लगभग। एक मिनट जाने से पहले एक बार मेरी बात सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्पेशली अंटिल दिस पॉइंट। तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट करना कि तुम्हें कौन सा पार्ट इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, ताकि हम अपना कॉन्टेंट और अच्छा करते रहें। एंड ऐसे ही मज़ेदार कॉन्टेंट और हेल्पफुल कॉन्टेंट इस चैनल पर आता रहता है। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक तो कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर। ये तो लोग का कहानी है।